तो वहाँ की बिहार सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने कोई हिंसात्मक कार्य नहीं किया, मनीष की लोक प्रत्या को देखते हुए उस पर ये मुकदमे लगाए हैं। ये उसके साथ बहुत गलत हुआ है, और वो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, तो बन सकता है, दिक्कत होगी, चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है। विक्की जी, ये बताइए कि आप जो अभी मनीष का बिहार में नाम छाया हुआ है, गरीबों का मसीहा कहा जा रहा है, जिसे हाल ही में तमिलनाडु पुलिस उठाकर ले गई और जबरन गिरफ्तार कर लिया गया है विभिन्न मामलों को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ तक नीतीश जी ने जब सरकार बनाई थी तो बिहार में उन्होंने ये दावा भी किया था और वादा भी किया था कि हम सुशासन करके दिखाएंगे। तो इस मामले में जब कोई व्यक्ति गरीबों की आवाज़ उठाता है और गरीबों की आवाज़ को बुलंद करता है तो वहाँ की बिहार सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। तमिलनाडु पुलिस और वहाँ के प्रशासन से वार्ता करके कि किस आधार पर आपने मुकदमे लगाए। लोकतंत्र में हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है। अगर वो शांतिपूर्वक रवैये से बात कर रहे हैं, जहाँ तक इनका सवाल है मनीष जी का, तो इन्होंने कोई हिंसात्मक कार्य नहीं किया, इन्होंने लोकतंत्र को अपनी बात रखी। और आज बिहारी जो गरीब तबका है मनीष को बहुत चाहने लगा है। मनीष की लोक प्रत्या को देखते हुए उस पर ये मुकदमे लगाए हैं और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि मनीष जी की निष्पक्ष जांच करा के इस पर कार्रवाई। ये उसके साथ बहुत गलत हुआ है, यानी कि वो अपनी गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहा, तो उसको ये सजा दी गई, बहुत गलत चीज़ है। क्या लगता है कि आपको मनीष कश्यप के साथ में हो रहा है वो अन्य व्यक्तियों के साथ भी हो सकता है बिहार में रह करके? हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं। और मनीष कश्यप सुनने में आ रहा है कि देखिए, जाना माना चेहरा है बिहार का और गरीबों की काफ़ी मदद करी है, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी हो सकती है? पढ़ा लिखा आदमी है तो करेगा ही, उसने सरकारी अपनी जॉब भी छोड़ी है, तभी तो आज निकल रहा है। जनता के बीच में गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहा है तो जनता खुद समझ रही होगी, जनता उसे खुद समझ रही होगी कि ये हमारे लिए आगे के लिए फायदेमंद है। अब मजदूरों के, गरीब मजदूरों के लिए वो खुद जेल गया है, उसमें क्या है, बेचारा गरीब और मजदूरों की आवाज़ उठा रहा था, वो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, तो उसको बेचारे को फांस दिया गया है। उसने आवाज़ सरकार के खिलाफ और उठा दी वहाँ पे, तो वो कुछ बड़ी बात नहीं, राजनीति का वो शिकार हो गया, और कुछ नहीं, राजनीति का शिकार हो गया है। लेकिन वहाँ की बिहार की जनता उसे बहुत मानती है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? तो मानती है, उसने सच्चाई की आवाज़ उठाई थी, अब मानती है वो सच की जीत होगी। और तमिलनाडु पुलिस ले गई है तो क्या लग रहा है? तमिलनाडु पुलिस ले गई है, NSA लगा दिया, और जिसने गोली लगाई थी उस पर तो कुछ नहीं लगा है, उस पर भी तो लगना चाहिए था, इसने तो क्या कर दिया, वो कह दिया थी मैंने से लगा दो। क्या लग रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री के रूप में मनीष कश्यप को देखा जा सकता है? अब देखने को तो फिर किसी को देख लो, देखा क्यों नहीं जा सकता, तेजस्वी को जब देखा जा सकता है बिना पढ़े लिखे को, तो उनको भी देखा जा सकता है, और वो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, तो बन सकता है, कोई दिक्कत हो नहीं, तो चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।